हेलो एवरीवन प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पेपर और ये क्वेश्चन पेपर किस यूनिवर्सिटी का है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ पे स्थित है वाराणसी में ठीक है ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है सब्जेक्ट कौन सा है बायोटेक्नोलॉजी और सब्जेक्ट का टाइटल क्या है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स ठीक है ये जो क्वेश्चन पेपर है ये टोटल सेवेंटी फाइव मार्क्स के हैं ठीक है और टू आवर्स के सिर्फ रहेंगे ठीक इस क्वेश्चन पेपर में तीन सेक्शन होंगे सेक्शन ए बी और सी होंगे ठीक है सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन करने हैं जितने भी दिए हुए हैं पाँच क्वेश्चन होंगे वो सारे करने हैं बी में जो है टोटल जो है आठ क्वेश्चंस होंगे जिनमें से कि आपको सिर्फ पाँच करने हैं ठीक है और सी में जो है चार क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको दो क्वेश्चन करने अब हम देखेंगे कितने कहते मार्क्स के हर सेक्शन में है ठीक तो पहले हम लोग सेक्शन ए की बात करें तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एक के टोटल फाइव क्वेश्चंस होंगे हर एक क्वेश्चन टू मार्क्स का होगा ठीक है और इस तरह से टेन मार्क्स के होंगे और वर्ड्स जो है वो पचास वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए पहला क्वेश्चन सेक्शन वन का क्या है डिस्क्राइब द जर्नल प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक कोड ठीक क्वेश्चन नंबर टू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूज म्यूटेशंस ठीक अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग थ्री यानी कि सी देखेंगे वन का जो कि कितने मार्क्स का है टू मार्क्स के हैं व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्राइट फील्ड एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप डी क्वेश्चन ये ये भी कितने हैं टू मार्क्स के हैं तो उसी हिसाब से लिखना है ठीक है पचास वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डी क्या है राइट शॉर्ट नोट ऑफ टी मूरा सिगे ऑफ एफ स्कूग ठीक ई क्या है वॉट आर न्यूक्लोटाइट्स तो इस तरीके से पांच क्वेश्चन आपको ए सेक्शन में करेंगे और ये हो गए ख़त्म सारे करने थे सेक्शन बी में कितने होंगे टोटल फाइव क्वेश्चन आपको करना है ठीक है ना और एट दिया होगा यानी आप तीन छोड़ेंगे और उनमें से पांच जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छे से आता है वो करेंगे हर एक क्वेश्चन पाँच मार्क्स के होंगे और इस तरह से ये सेक्शन कितने मार्क्स का होगा टोटल ट्वेंटी फाइव मार्क्स का होगा ठीक सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है इसमें वॉट इज क्रॉसिंग ओवर डिस्क्राइब इट्स साइटोलॉजिकल basis. बी क्या है Explain द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स सी कौन सा है क्वेश्चन सी है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सेल थियोरी डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस थियोरी ठीक उसके बाद है क्वेश्चन डी टू का वट इज A chromosome describe the various type of chromosomes according to the position of centromere. E, kya hai? write the experimental evidences for nucleic acid as genetic material. F, kya hai? describe briefly the presence of meiosis. G, kya hai? what is कैंसर डिस्क्राइब इट्स टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसरस टिश्यूज एच है गिव एन अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस तो ये आठ क्वेश्चंस थे इसमें जो सबसे अच्छे जो पांच आते होंगे वो आपको करने होते हैं बी सेक्शन में सी क्या है सी में आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं ठीक है तीनों सेक्शन में सबसे ज़्यादा आपको इसमें लिखना है एक क्वेश्चन आपको समझ लीजिए चार सौ वर्ड से मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसमें ठीक है और टोटल इसमें कितने क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे दिए रहेंगे आपको चार क्वेश्चन लेकिन करने सिर्फ दो हैं और हर एक क्वेश्चन कितना है ट्वेंटी मार्क्स का इस तरह से फोर्टी हो गया तो पहला कितना था ए सेक्शन टेन का था बी सेक्शन कितने का था ट्वेंटी फाइव का था तो ये हो गया टोटल सेवेंटी फाइव मार्क्स हो गए यहाँ पे सेवेंटी फाइव समझ में आ गया चलिए देखते हैं थ्री में क्या है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द क्रोमोजोम थियोरी एंड जेनेटिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका डिस्क्राइब द हार्डी वेनबर्ग लॉ विथ इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट राइट अ नीट वेल लेबल डाइग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया शोइंग इट्स इनर स्ट्रक्चर इन डिटेल वाई इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल डी क्या है राइट एंड एन क्रोमोजोमल स्ट्रक्चरल एबरेशन गिव देर जेनेटिकल इफेक्ट इफेक्ट ठीक तो ये चार में से सिर्फ दो क्वेश्चन आपको करने थे तो ये था बायोटेक बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर और भी क्वेश्चंस अलग अलग सब्जेक्ट के आपको बायोलॉजी चैनल पे देखने को मिलेंगे वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बाय